नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। 25 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा था, तभी एक अमेरिका से रिपोर्ट छपती है। किसी को इस बात का पता नहीं था कि अमेरिका से छपने वाली एक रिपोर्ट दुनिया के तीसरे नंबर के दौलतमंद शख्स को अर्थ से फर्श पर लाकर पटकेगी और भारत में कोहराम मच जाएगा। संसद से सड़क तक बहस, दो ही नाम गूंज रहे होंगे, एक है हिंडनबर्ग और दूसरा है अडानी। और इन्हीं के बीच पूरी दुनिया में रस्साकसी जारी है और भारत में तूफान आया हुआ है। तो आज हम बताने वाले हैं कि कौन है हिंडनबर्ग का मालिक, जिसने अपनी रिपोर्ट से भारत सरकार और अडानी की चूल्हे हिला दी हैं, और क्या करता है हिंडनबर्ग। खबरों की माने तो नाथन एंडरसन ने अमेरिका के कॉनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी की तलाश में थे। इस बीच उन्हें डेटा रिसर्च कंपनी में काम करने का मौका मिला। यहां उन्हें पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम करना होता था। जॉब करते वक्त उन्होंने डेटा और शेयर मार्केट की तमाम बारीकियों को समझा और उन्होंने समझ लिया कि शेयर मार्केट अमीरों का सबसे बड़ा अड्डा है। उनके मुताबिक शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों को पता ही नहीं। इसके चलते उन्हें फाइनेंशियली रिसर्च कंपनी बनाने का आइडिया आया और उन्होंने 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम से एक कंपनी बना ली। ये कंपनी इक्विटी, क्रेडिट, शेयर मार्केट और डेरी वेक्टिक्स पर रिसर्च करती है। रिसर्च के जरिए कंपनी पता लगाती है कि शेयर मार्केट में क्या गलत चल रहा है, कहां पैसों की हेराफेरी हो रही है, कोई कंपनी शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। कंपनी रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट जनता के बीच पब्लिश करती है और कई बार इस कंपनी की रिपोर्ट से दुनिया भर के शेयर मार्केट में असर पड़ता है। इसी हिंडनबर्ग ने अब अडानी ग्रुप के लिए भी एक रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी समूह के फाउंडर और चेयरपर्सन गौतम अडानी की संपत्ति 120 अरब डॉलर करीब 9.8 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से 100 अरब डॉलर करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा पिछले 3 साल में हुआ। इसका कारण समूह की सूचीबद्ध 7 कंपनियों के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी रही है। इनमें इस दौरान अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में औसतन 819% का उछाल आया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी की प्रमुख कंपनियों ने मोटा कर्ज ले रखा है। इसके चलते समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों में से 5 का करंट रेशियो 1 से नीचे है। इससे पहले अगस्त 2022 में फिश ग्रुप की रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट्स ने भी अडानी समूह के कर्ज पर चिंता जताई थी। क्रेडिट साइट की रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप आक्रामक तरीके से कारोबारी विस्तार कर रहा है, जिससे कंपनी पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी का कैश फ्लो भी घट रहा है। क्रेडिट साइट से यह भी कहा कि अगर हालात बिगड़ते तो कंपनी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस सकती है। क्रेडिट साइट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी का कर्ज 2.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बाद में अपनी रिपोर्ट में खामियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर उसके कैलकुलेशन में गलती थी। इससे आप समझ गए होंगे कि हिंडनबर्ग कौन है और उनकी कंपनी क्या करती है और क्यों अडानी पर रिपोर्ट आने से भारत में कोहराम मचा हुआ है और क्यों अडानी लगातार कंगाल होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या कुछ आता है।